T20 पावर मैक्स 55 HP। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज आपके सामने है फार्म ट्रैक 60 T20 पावर मैक्स सीरीज का ट्रैक्टर है। 13 के डीलर है, सी टाइप डीलर है। और जमीन है वो थोड़ी रेतीली है, खिंचाई के मामले में बाप माना जाता है इसको। आप एक बार देख लीजिए किस तरीके का परफॉर्मेंस है। उसके बाद इस ट्रैक्टर के बारे में एक बार जानेंगे किसान से, क्या खासियत रही और अब तक ट्रैक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, अभी तक चलाया है, उसमें आने वाली कुछ समस्याएं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ट्रैक 60 T20 पावर मैक्स 55 HP का ट्रैक्टर है, 13 का टीलर है, जमीन जो है वो थोड़ी सी रेतीली है। और ये दो तीन बार जो है पहले इसकी जुताई की गई है एरो से। सिंचाई के मामले में एक्चुअली में बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। और पहले सबको शिकायत रहती थी कि फार्म ट्रैक जो है उसका डीजल कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी ने अब जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से उन्हें काफ़ी अच्छा सुधार कर दिया है। अब जो ट्रैक्टर है उनका डीजल कंजप्शन काफ़ी कम है। इस ट्रैक्टर का व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से इसकी खिंचाई जो है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नमस्कार किसान भाइयों, ये फार्म ट्रैक 60 जिसकी हमने अभी आपको परफॉर्मेंस दिखाई थी टीलर के अंदर, और अब इसके जो भी इसकी खासियत है, इसकी कमियां हैं, उनके बारे में जानेंगे किसान से, क्योंकि चलाने वाला जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा और बुरा इस ट्रैक्टर के बारे में बता पाएगा, तो हम उन्हीं से एक बार जानने वाले हैं। तो किसान हमारे साथ हैं, मोहित नाम है इनका। तो मोहित भाई नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और नमस्कार भाई, आपका स्वागत है यहाँ पे। बताइए ट्रैक्टर के बारे में कुछ जो है आपने, मतलब इससे पहले आप कौन कौन सा ट्रैक्टर चला चुके हैं भाई? इससे पहले लगभग लगभग हमने 10 बार ट्रैक्टर बदल चुके हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें मैक्सिमम हम मैसी यूज़ करते थे, पर अब की बार हम फार्म ट्रैक पे शिफ्ट हुए हैं। और दूसरा ट्रैक्टर जो हमारे पास है वो जॉन डियर है। दूसरा जॉन डियर है। हाँ। ठीक है। तो डीलरशिप की थोड़ी बहुत जैसे प्रॉब्लम हुई थी हमें, मैसी डीलरशिप पर थोड़ी बहुत वो हो गई थी, इसकी वजह से हमें ट्रैक्टर चेंज करने पड़े। ठीक है। तो ये ट्रैक्टर है, ये आपने कब लिया? ये भाई मैंने 2020 के लास्ट में लिया, दिसंबर मॉडल है। दिसंबर मॉडल। और अभी तक चला कितना चुके हैं? चला इसको 500 घंटे का अप्रोक्स चला चुके हैं। ठीक है। तो एक चीज़ बताइए मुझे कि देखिए, वैसे तो सबको पता है कि स्वदेशी कंपनी है और काफ़ी टाइम से जो है इंडिया में ट्रैक्टर जो मैन्युफैक्चर कर भी रही है, तो एक भरोसा भी है। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कंपनियाँ बहुत हैं, तो आप जो है आपने सीधा फार्म ट्रैक पे स्विच क्यों किया? क्योंकि आप बता रहे हैं कि मैं पहले मैसी भी यूज़ कर चुका हूँ और भी ट्रैक्टर यूज़ कर चुका हूँ, तो जब सभी ब्रांड्स यूज़ कर लिए, आज के टाइम पे जो है तकनीक का थोड़ा सा दौर चल रहा है, तो आपने यही ट्रैक्टर क्यों चूज़ किया, वो एक बार दर्शकों को बताइए प्लीज़।
एक्चुअली सबसे पहले हम मैसी यूज़ करते थे, उसमें जैसे प्रॉब्लम होने की वजह से पहले हमने ट्रैक्टर जैसे यूट्यूब वगैरह सर्च किया हमने, तो ये नया लॉन्च हुआ था फार्म ट्रैक पावर मैक्स, इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक थी, डीजल माइलेज भी ठीक थे, इसकी वजह से हमने एक तो फार्म ट्रैक लिया। और टेक्नोलॉजी के मामले में हमें जॉन डियर अच्छा लगा, उसके लिए हमने एक जॉन डियर लिया, एक ही फार्म ट्रैक लिया। अच्छा, दो ट्रैक्टर आपने लिए। हाँ, मैसी में क्या समस्या आई आपको? मैसी वैसे ट्रैक्टर बढ़िया था, कोई समस्या नहीं थी। एक तो डीलरशिप पे हम दूसरा ट्रैक्टर जैसे स्मार्ट सीरीज जो 95 से आया था ना, उसको लेने के लिए गए थे। अच्छा, उसमें जैसे रेट में थोड़ा बहुत वो हो गया था, कुछ डीलरशिप पे वैसे हो गई थी, अनबन हो गई थी, इसकी वजह से फिर चेंज करने पड़े। रेट को लेके वहाँ पे समस्याएं हो रही थी। ठीक है, हमने लगभग लगभग मैसी के 12 से 15 ट्रैक्टर के आसपास हम बिकवा चुके हैं, 10 ट्रैक्टर मैं ला चुका हूँ, 20-25 ट्रैक्टर बिकवा चुके हैं, पर फिर भी डीलरशिप कोई ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। अच्छा, तो फार्म ट्रैक का जो डीलरशिप एक्सपीरियंस रहा अभी तक, क्योंकि आप बता रहे हैं 2020 में हमने ट्रैक्टर लिया था, तो 2020 से अभी तक जो भी आप इस ट्रैक्टर पे चलाने के बाद, ऑब्वियसली बात है सर्विसिंग भी है और सारी चीज़ें हैं, तो ओवरऑल जो है डीलरशिप एक्सपीरियंस आपको इस कंपनी का कैसा लगा? डीलरशिप एक्सपीरियंस वैसे तो सही है, चलो अच्छा है वैसे तो। अब तो बीच में इसमें जैसे प्रॉब्लम आ गई थी, लीकेज की प्रॉब्लम आ गई थी इस ट्रैक्टर में थोड़ी। अच्छा, जैसे एक तो इसकी वाटर बॉडी लीक हुई थी ट्रैक्टर के पहले। ठीक है, पर कोई नहीं, मशीनरी है ये तो होता रहता है। हम डीलरशिप पे लेके गए ट्रैक्टर को, वहाँ पे हमने दिखाया, ऐसे ऐसे बताया, उन्होंने नाम से 1 भी रुपया लिया ना, लेबर चार्ज लिया, कुछ भी नहीं, उन्होंने सीधा हमारी वाटर बॉडी रिप्लेस करके दी। अच्छा, हाँ, डीलरशिप से कोई शिकायत नहीं है। फिर डीलरशिप एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल जो है वो ठीक रहा है। हाँ, अच्छा, लीकेज का जो समस्या है वो इस ट्रैक्टर में मतलब कब आ गया था, लेने के कितने टाइम बाद? ये 150-250 घंटे के आसपास आ गया था। फिर अच्छा, इसमें अच्छा, एक बार फिर से शिकायत आई हमें, इसकी हेड लीक हो गई थी। अच्छा, हाँ, तो फिर हमने जैसे डीलरशिप पे कॉल किया, तो डीलरशिप पे जैसे मैकेनिक ने इसकी वीडियो वगैरह मंगाई, फिर चेक किया एक बार घर पे आके, फिर मैं इसको डीलरशिप पे लेके गया, उन्होंने हेड इसके जैसे वो अंदर से वो हो गए थे ख़राब, तो उन्होंने ठीक करके दिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डीलर बढ़िया है इसके। ठीक है, तो एक चीज़ बताएंगे मुझे, काफ़ी डीलर ऐसे होते हैं जो लेबर चार्ज ले लेते हैं, वैसे भी पैसे ले लेते हैं, पर इन्होंने ना 1 भी रुपये लिया। हाँ, अंडर वारंटी करके दिया। हाँ, सब कुछ अंडर वारंटी करके दिया, 1 भी रुपया नहीं लिया उन्होंने हमसे। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए मुझे कि आप जो है इस ट्रैक्टर को किस किस इम्प्लीमेंट पे यूज़ करते हैं? भाई ये लगभग लगभग सारी इम्प्लीमेंट पे चला लिया, ज़्यादातर तो एरो टीलर इन पे ज़्यादा चलता है। अच्छा, ठीक है, एरो और टीलर का जो आपके यहाँ पे यूज़ ज़्यादा होता है, इस वजह से इन्हीं पे ज़्यादा चलाते हैं। हाँ, एरो टीलर का यूज़ जैसे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे क्यों नरम मिट्टी है, यहाँ पे वो क्या तोता वगैरह, नहीं तो एम प्लाऊ वगैरह ये तो चलते ही नहीं है, क्यों नरम मिट्टी इनमें उनको खींच नहीं पाता, ना ही उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैक्सिमम यूज़ होता है एरो का और टीलर का होता है बस। तो सबसे खास बात क्या लगी इस ट्रैक्टर को लेने की? ट्रैक्टर की सबसे खास बात और चलाने के बाद भी जैसे देखो एक्सपीरियंस होता है, पर हमें तो इसकी खिंचाई सबसे अच्छी लगी। अच्छा, ट्रैक्टर की खिंचाई अच्छी है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है ट्रैक्टर की, लुक वाइज भी, वैसे भी आप ट्रैक्टर देखोगे एक नंबर लगता है ट्रैक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैक्टर में। तब प्रॉब्लम आई थी एक बार इसमें लीकेज वगैरह की, पर वो अब ठीक है बिल्कुल ट्रैक्टर में। उसके बाद 250-300 घंटे ट्रैक्टर चला चुका हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैक्टर। चलो, मैसी से आपका कुछ अनबन रहा, उसके बाद आपने मैसी से स्विच करने का सोचा, तो और बहुत सारे ट्रैक्टर थे, फार्म ट्रैक ही क्यों लिया? क्योंकि फार्म और भी कंपनियां थी। एक इंसान का होता है ना कि एक हाँ, मतलब एक विश्वास होता है, या फिर कोई ऐसी आपको इसमें खासियत लगी, या फिर कोई ब्रांड वैल्यू से प्यार रहा, या स्वदेशी है इस वजह से, किस लिए आपने लिया? एक तो हमें लेना था मेड इन इंडिया ही लेना था। ठीक है, दूसरी बात, मैं पहले फार्म ट्रैक चला चुका हूँ, वो मैंने 2008 में लिया था फार्म ट्रैक, 39 लिया था मैंने, वो 1.5-2 साल मैंने ट्रैक्टर चलाया, फिर बेच गया था। पापा ने ट्रैक्टर चलाया काफ़ी, उसका हमें सही लगा, परफॉर्मेंस भी सही थी, डीजल माइलेज भी सही थी। पर जो अब जो ये ट्रैक्टर आए फार्म ट्रैक के, इनकी अब जो डीजल माइलेज है वो बहुत ज़्यादा घटा दी गई है, बहुत अच्छी डीजल माइलेज है अब इनकी। अभी जो है ये क्या माइलेज देता है एकड़ के हिसाब से, अगर हम हैरो में बात करें तो? क्योंकि आपके यहाँ हैरो टीलर में ही ज़्यादा चलता है। एरो हमारे पास 18 की है, अगर हम नॉर्मल जो जुताई करते हैं जो एरिया में चलती है उसके ऊपर 2 लीटर से लेके 2.5-2.5 तक चला जाता है, जैसे मैक्सिमम जो जाएगा वो 2.5 तक चला जाएगा, वरना 2 लीटर है। अगर टीलर पे हम चलाएंगे तो टीलर पे 1.5 से लेके 2 लीटर के आसपास एवरेज है। ठीक है, कई भाई ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई झूठ बोल रहा है, या यूट्यूब वालों ने कुछ कह दिया होगा, चैनल वालों ने कुछ कह दिया होगा, तो भाई मैं वैसे बता रहा हूँ,
मेरा गांव यहाँ पे बासलांबी है, गुड़गांव के पास में, यहाँ पे आके बिल्कुल देख सकते हैं, एवरेज नाप सकते हैं बिल्कुल। चैनल वाले तो कुछ देंगे नहीं, अब तो चैनल वालों का ही कुछ नहीं हो रहा, तो भाई आपको तो क्या देंगे। ना ना, फिर भी कुछ भाई ऐसा रहे वो कह चैनल वालों ने कुछ कही होगी, जिस करके बड़ाई कर रहा होगा बुराई कर रहा होगा। भाई इस वीडियो में या इस चैनल पे किसी भी ब्रांड वैल्यू को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, और किसी भी तरीके का ऐसा नहीं कि हमें किसी ट्रैक्टर से प्यार है और कोई ट्रैक्टर हमें ख़राब लगता है। पर्सनल चॉइस एक अलग चीज़ है, बाकी जो है इस तरीके की कोई बात नहीं है। तो हाँ। एक चीज़ बताइए मुझे, ये तो हो गई इसकी अच्छाई की बात, अभी इसमें कुछ बुराइयां भी, ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई भी है। हाँ ये तो है, सब चीज़ तो नहीं होती। जैसे कुछ जो है इस ट्रैक्टर में बुराई क्या क्या लगी जो इसमें, मतलब बुराई का मतलब ये नहीं है, बुराई से मतलब ये है कि इस ट्रैक्टर में जो सुधार होने चाहिए आपके हिसाब से, वो क्या कुछ होने चाहिए? कमियाँ वैसे तो कुछ भी नहीं है, पर इसमें मुझे दो तीन वैसे नॉर्मल छोटी मोटी कमियाँ है बस, वो मुझे लगी। जैसे एक तो लीक हुआ, चलो कोई नहीं, वो तो ट्रैक्टर नया था, मशीनरी में प्रॉब्लम आ जाती है, वो तो करके दिया, टेक्निकल फॉल्ट है, ये तो हो गया, कोई नहीं। नहीं ऐसा जो मतलब इस ट्रैक्टर के साथ में, अब ये लगा लीजिए जो जब तक ये ट्रैक्टर रहेगा, जब तक वो चीज़ें रहने वाली हैं, वो चीज़ें हमें बताइए कि क्या क्या कमियाँ आपकी चाहिए। जैसे देखिए, हाँ चलिए, एक तो है जिसकी, जैसे इसकी लिफ्ट उठाते हैं, एक ये इसकी कम उठती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये ग्राउंड से जो इसका जो ऊंचाई होती है ना, वो बहुत कम होती है। जैसे टिलर ज़्यादा बड़ा हो गया, ये टच करता है जहाँ पे, जैसे ऊंचा नीचे आ जाता है, डोल वगैरह आ जाते हैं उन पे, स्क्रॉस करते हैं, टिलर नीचे टिकता है। लिफ्टिंग कैपेसिटी तो इसकी काफ़ी अच्छी है, लिफ्टिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, पर जो हाइट होती है ना इसकी उठाने की, वो बहुत कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बेसिकली हाइट जो है वो थोड़ा सा कम एक्वायर कर पाता है। ठीक है, दूसरी चीज है इसकी एक्सीलेटर। अच्छा, जो इसके पैर वाली एक्सीलेटर है वो बहुत ज्यादा टाइट है। क्यों, मेरे को 2 साल के आसपास हो गया पर अब तक वो नरम नहीं हुई, इतनी टाइट है। ये लगा लो हाथ से आप कर लोगे तो ठीक है, वरना पैर वाली को नहीं दे सकते आप बिल्कुल भी। अच्छा, पैर वाली का तो यूज करना मतलब एक्सरसाइज करने के बराबर हो जाता है, एक्सरसाइज महाभारत है बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये थोड़ा सा कंपनी को देखो सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइन कमियां हैं। अब जिस चीज़ को दिया हुआ है उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को दे रखा है उसको हम प्रॉपर ढंग से अगर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक समस्या है। और इसके अलावा कुछ ऐसी कमियां जो आपको इसमें नज़र आई हो? नहीं, इसके अलावा तो कोई कमी नहीं है, वैसे ट्रैक्टर अच्छा है। वैसे ट्रैक्टर अच्छा है, तो अभी तक आप ये करीब करीब 500 घंटे चला चुके हैं। हाँ, 500 घंटे के आसपास ट्रैक्टर चला है। क्यों, 2 ट्रैक्टर होते हैं, ज़्यादा काम भी नहीं होता तो वो ट्रैक्टर भी चलता है जैसे। तो नॉर्मल ट्रैक्टर चलते हैं यहाँ पे ज़्यादा, जैसे अब बाजार लगा देगा, अब ट्रैक्टर खड़े रहेंगे, बाद में थोड़ी बहुत जुताई होगी, फिर सरसों लग जाएगी, फिर ट्रैक्टर खड़े रहते हैं थोड़ा बहुत। लगभग आप इस ट्रैक्टर से कितनी खेती करते हैं? लगभग ऐसी बात है, 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, और अगर कोई लेने की सोचे तो इस तरीके से इंसान इसको, इसका मूड बनाए कि जिसका खेती का हिसाब किताब जो है वो ज़्यादा हो वो ले सकता है। तो आप जो है, आप अपने हिसाब से जितनी भी खेती करते हैं उसमें ये सफिशिएंट है या नहीं है? भाई मेरे पास लगभग 65 से 70 एकड़ के आसपास खेती है। अच्छा, हाँ, तो जिसके लिए मैंने 2 ट्रैक्टर ले रखे हैं, पहले 3 थे मैंने अब हटा दिया, एक मैं अब दूसरा लेके आऊँगा। पर ट्रैक्टर अगर किसी के पास 20 एकड़ से ऊपर है तो मैं उसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा फार्म ट्रैक 60 या पावरमैक्स ज़रूर ले। अच्छा। क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छी है, किसानों के हित का ट्रैक्टर है बिल्कुल। डीजल एवरेज अभी अच्छा है। हाँ, डीजल एवरेज के साथ साथ में एक चीज़ और अच्छी है इस ट्रैक्टर की, जो है इसकी रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू क्यों, हमारे एरिया में मार्केट है, नाम से बिकता है, क्यों 60 है इसका ब्रांड नेम है, बिल्कुल चलता है 60 का। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद ये एक चीज़ हम भूल गए शायद शुरू में, ये ट्रैक्टर आपने लिया कितने का था उस टाइम पे, 2020 के एंड में लिया था, तो उस टाइम पे कितने का लिया था ये? भाई हमने लिया था 7,30,000 के आसपास लिया था हमने, जो कि कंप्लीट ऑन रोड हमें पड़ा था। 7,30 में आपको ऑन रोड पड़ा? हाँ। ठीक है, तो अगर किसानों को आप इस ट्रैक्टर के बारे में या किसी अन्य ट्रैक्टर के बारे में, अभी तक आप कह रहे हैं हमने 10 ट्रैक्टर चलाए हैं, तो किसानों के लिए क्या राय है आपकी इस ट्रैक्टर के बारे में, किसी अन्य ट्रैक्टर के बारे में, जो भी मतलब लेना चाहता हो कि इस ट्रैक्टर पर जा सकता है या नहीं जा सकता? वैसे तो भाई सबकी अपनी अलग अलग पसंद है, पर जैसे मैं बताता हूँ, जिसको जैसे माइलेज अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस ट्रैक्टर, खिंचाई अच्छी चाहिए, मैं कहता हूँ फार्म ट्रैक की तरफ शिफ्ट हो, अच्छा ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक बिल्कुल। अच्छा, फार्म ट्रैक जो है, हाँ ये तो है बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है माइलेज इन्होंने काफ़ी इस ट्रैक्टर की काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा देता है। और दूसरा है मार्केट वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है इसकी, फोर्ड के टाइम से ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। हाँ।
मार्केट की, जैसे मैं आपको बताऊं ये ट्रैक्टर जैसे वैसे तो कोई बात नहीं है, लीक वीक हुआ था तो थोड़ा सा मूड ऑफ होके मैंने ये सेल के लिए कह दिया था इसको कि सेल करूंगा बस वही। अब तो 7:30 का मैंने ट्रैक्टर लिया था, तब ये सेल के लिए मैंने डाला था, तो इसके 6:60 से लेके 6:70 तक इसके रेट लगे थे मेरे पास। अच्छा, कि 6:60 6:70 में दे दो, मैं इसको 1 साल चला भी चुका था तब ये रेट लगे थे। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे, ये ट्रैक्टर जो है ये 16 के टायर में भी आता है ना? हाँ भाई, ये तो 16 के टायर में डबल 14 क्लच क्यों में वो प्रेफरेंस रहा आपका कि 14 के टायर में लिया आपने? ये 14 के टायर में इसलिए भाई लिया क्योंकि ये यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तो है नरम मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे जैसे 16 के टायर ले लेते हैं ट्रैक्टर सीधी तो खिंचाई पूरी करेगा, पर तब मोड पे ट्रैक्टर घूमता है ना, आरपीएम ड्रॉप करता है बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर, अच्छा। क्योंकि ये ट्रैक्टर है ये स्लिप निकालेगा, 14 का टायर है, ट्रैक्टर स्लिप निकालेगा आरपीएम नहीं तोड़ेगा, और वो जो होता है 16 के टायर में ट्रैक्टर इंजन साइड पे दबता है। जी 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 हाँ, जी बिल्कुल क्यों बिल्कुल। स्लिप निकाल नहीं पाता, टायर चौड़े ज़्यादा हो जाते हैं इसकी वजह से, वो इंजन लाइन से आरपीएम ड्रॉप करता है। तो कुल मिला के आप इस ट्रैक्टर से संतुष्ट हैं? हाँ जी भाई, पूरा और संतुष्ट किसान है। भाइयों को रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई भाई लेना चाहे तो बेझिझक इस ट्रैक्टर पे जा सकता है। हाँ जी भाई, बेझिझक जा सकता है, फार्म ट्रैक तो ये लगा लो, अब तो हमारी पसंद ही है, अब की बार लिया तो अभी फार्म ट्रैक ही लेंगे। अच्छा, तो क्यों, अभी अगर इनका CRDI वगैरह आया है तो CRDI का थोड़ा वो है लेने का विचार, तो तो अभी कुछ देखो इस ट्रैक्टर को देखते हैं बेचने के बारे में सोच रहे हैं? बेचने के बारे में। देखो भाई, अगर वो CRDI आया उसका रेट सेट अगर सही हो गया तो इसको सेल करके अब की बार CRDI लेके देखेंगे। चलो, ये तो हो गई शौक की बात। वैसे जो है ट्रैक्टर किसान के हक का ट्रैक्टर है ये, क्योंकि माइलेज भी अच्छी है और एक टाइम पे अगर बेचना चाहोगे तो ज़्यादा जो है ना पैसे इसमें टूटेंगे भी नहीं, तो किसान इस ट्रैक्टर को बेझिझक ले सकता है। और भाई से बात की हमें बहुत अच्छा लगा है, और मैं सभी से ये कहूँगा कि आप जो है एक बार ट्रैक्टर को चला के ज़रूर देखें, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ट्रैक्टर को चला के इसको ज़रूर देखें। मैं आपसे कहूँगा कि ये ट्रैक्टर आपको निराश किसी भी तरीके से नहीं करेगा। तो जैसी भी वीडियो लगी हो भाइयों, एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। दूसरा, अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है उसको फॉलो करिए। धन्यवाद।